अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं बिजनेस मैनेजमेंट का। आज मैं जॉब्स के बारे से आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि यहां पे ओडिशा में बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अर्न करना चाहते हैं स्टडी के साथ साथ, उनके लिए फूड डिलीवरी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप एज अ टूरिस्ट गाइड यहाँ पे काम कर सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कॉल सेंटर में अच्छी इनकम कमा सकते हैं और अपनी लिविंग एक्सपेंस उठा सकते हैं। फीस भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यह है कि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता तो फीस वगैरह इतना नहीं निकाल सकता, लेकिन यह है कि लिविंग एक्सपेंस बंदा निकाल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कैब जॉब्स भी अवेलेबल हैं, टैक्सी वगैरह लोग चलाते हैं, अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं या किसी के साथ एज अ ड्राइवर भी काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा होटल्स की भी जॉब्स हैं, इसमें शेफ़ की जॉब है, तो उसके बाद वेटर वगैरह की भी जॉब है, और रेस्टोरेंट वगैरह में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है तो उनके लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो कॉल सेंटर में यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कॉल सेंटर हैं, और पैसे जो हैं तकरीबन 700 to 800 डॉलर यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, स्टूडेंट्स कमा रहे हैं काम करके कॉल सेंटर पे। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज आपको नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उस पर भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कैब सर्विस होगी, टैक्सी होगी, ऊबर होगी, आप ऊबर भी गाड़ी चला सकते हैं, बोल्ट भी चला सकते हैं, इसके अलावा आप लोन पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो डेली पैसे अर्न कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल। उनके अलावा वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश तक नहीं आती, मतलब इंग्लिश आते ही नहीं है, तो उनके लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं। उनके लिए जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में लेबर जॉब्स होती हैं, पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सीन है, तो पर डे के हिसाब से कमा सकते हैं स्टूडेंट्स। फूड पैकिंग भी होगी, या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में काम हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह की साइट्स पे काम हो गया, तो ये जॉब अवेलेबल हैं जिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लैंग्वेज वगैरह नहीं आती बिल्कुल। अगर हम अर्निंग के हवाले से बात करें तो अर्निंग डिपेंड करती है स्टूडेंट पे भी कि वो कितने टाइम काम करता है। जैसा कि अगर हम बात करें कॉल सेंटर की, तो वो सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है। जैसे ओडिशा है, यहाँ पे जो है कॉल सेंटर में स्टूडेंट अर्न कर सकता है 500 to 600 डॉलर्स पर मंथ, और अगर हम कैपिटल की बात करें, आपको पता है कैपिटल में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स कमा रहे हैं तकरीबन 1000 to 1500 पर मंथ। और इसके अलावा डिलीवरी से भी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में मैक्सिमम 400 या 500 डॉलर स्टूडेंट कमा रहे हैं, और अगर हम कीप की एज़ कम्पेयर टू कीप की बात करें ओडिशा से, तो कीप में स्टूडेंट ज़्यादा अर्न करते हैं समथिंग 900 to 1000 डॉलर। अगर इसके अलावा अगर कैब की बात करें, ऊबर क्रीम की अगर हम बात करें, तो उसमें मंथली जो कीप है उसमें कमा सकते हैं तकरीबन 1500 to 1300 डॉलर, और अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में हम कमा सकते हैं 800 to 1000 डॉलर। वो स्टूडेंट भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने घंटे चलाता है, और उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं और उस हिसाब से वो कमाता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो टी सिटी में रेस्टोरेंट में तकरीबन 800 to 900 स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, और अगर हम ओडिशा की बात करें एज़ कम्पेयर टू टी, तो ओडिशा में तकरीबन 600 to 700 कमा रहे हैं रेस्टोरेंट में स्टूडेंट।